हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। देखो, हमको पढ़ना रोटेशनल डायनेमिक्स है, जिसमें हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले एक काम करते हैं, हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, फिर हम लोग उस पर स्विच करेंगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ सर्कुलर मोशन। देखो, जहाँ तक मोशन का सवाल है, मैंने आपको बताया था मोशन का मतलब क्या होता है, कि अगर मान लो किसी पार्टिकल का हमने एक पॉइंट या एक पोजिशन फिक्स कर दिया, ठीक है, और अगर वो इस पोजीशन से अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, मान लो, तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी मोशन में आया, राइट। अगर मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका पोजीशन था ए, और यहाँ से अगर मान लो वो किसी और पोजीशन पे चला गया, पोजीशन चेंज किया मतलब बॉडी मोशन में है। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये मोशन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम लोग किसी पार्टिकल को के पोजीशन को पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पार्टिकल काफ़ी छोटा होना चाहिए। मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो पॉइंट पार्टिकल है, राइट। ये पार्टिकल की बात होती है, इतना छोटा होता है पार्टिकल। अब मान लो बड़ा सा तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम पार्टिकल नहीं बोलेंगे, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सो विल कंसिडर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज़ अ पॉइंट पार्टिकल। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हम पोजिशन एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अच्छा, मोशन जो है उसको हम लोग मेनली दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा कर्विलिनियर मोशन। अब देखो, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो कोई चीज़ मैं सीधे ऊपर फेंकता हूँ, तो ऑब्जेक्ट सीधे ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती है और वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आती है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। या कोई भी पार्टिकल अगर सपोज करो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है? कर्विलिनियर मोशन में पाथ जो होता है वो कर्व्ड हो जाता है। अब ये कर्व्ड पाथ कैसा भी हो सकता है, ठीक है, अगर ये कर्व्ड पाथ है, देन इट इज अ कर्विलिनियर मोशन। इसका एग्जाम्पल जैसे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, अगर मानो कोई बॉल को इस तरह से किक करता है, तो बॉल ऐसे कर्व्ड पाथ में जाता है। या फिर अगर मान लो क्रिकेटर किसी बॉल को हिट करता है, तो वो जब बाउंड्री पे जाता है, तो हवे में क्या करता है, वो इस तरह से कर्व्ड पाथ में, कर्व्ड पाथ को फॉलो करता है। तो ये जो मोशन है जो कर्व को फॉलो करता है, उसको कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। आपने स्नेक को देखा होगा जिगजैग मैनर में जाता है ऐसे, सॉरी। तो ये थोड़ा अजीब सा कर्व है इसका, बट स्टिल वी कैन से इट इज अ कर्विलिनियर मोशन, राइट। अब और भी तरीके से हम लोग ने मोशन को अलग अलग टाइप में डिस्क्राइब कर रखा है, अलग अलग टाइप में बांट रखा है। जैसे हम लोग को पता है एक सिंपल पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस तरह से ऑसिलेट होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। तो एक और टाइप को मोशन की बात कर देते हैं हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन। या फिर अगर मान लो कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो हम लोग बोल देते हैं इट इज़ परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो ये एक और मोशन की बात कर देते हैं, सर्कुलर मोशन। तो ऐसे अलग अलग टाइप से हम लोग बहुत सारे मोशन के टाइप को बना सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जितने भी मोशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इन सब मोशन को अगर मुझे डिस्क्राइब करना है, तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, इनके डिस्क्रिप्शन के लिए, कि भाई मोशन कैसा परफॉर्म हो रहा है, अगर इसको मुझे डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे करते हैं, तीन चीज़ों से करते हैं मेनली। जैसे कि अगर सपोज करो कोई पार्टिकल है वो पॉइंट ए पे है, राइट, और उसने मोशन किया, कुछ टाइम के बाद वो किसी दूसरे पॉइंट पे चला जाता है, राइट। तो अपने इनिशियल पॉइंट से वो कितना दूर गया है, इस बात को बताने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की, राइट। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई देखो, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि भाई किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो आप झट से आइडिया लगाओगे 5 मीटर मतलब वो अपने इनिशियल पॉइंट से चलो 5 मीटर की दूरी पे है। पर अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि भाई किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 15 किलोमीटर है, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि पार्टिकल अपने इनिशियल पॉइंट से बहुत दूर जा चुका है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एक आइडिया देता है मोशन कैसा है। तो ये आइडिया क्या है कि वो इनिशियल पॉइंट से कितना दूर जा चुका है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब मैं तुमसे ये बोलूँ कि जैसे मान लो कोई पार्टिकल है इस पॉइंट पे और वो इस पॉइंट तक आया,
दूसरा पार्टिकल भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही आता है, मतलब इसने भी अगर मान लो 15 मीटर कवर किया है, दूसरे पार्टिकल ने भी 15 मीटर ही कवर किया है, स्टिल दोनों में डिफरेंस हो सकता है। किस चीज़ का डिफरेंस हो सकता है भाई? ये फास्ट गया हो, ये स्लो गया हो, समझ में आ रहा है ना? टाइम का डिफरेंस हो सकता है, मतलब इसने कम टाइम लिया है इसलिए डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए इसने ज़्यादा टाइम लिया। तो कोई चीज़ या कोई पार्टिकल कितना फास्ट डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है या कितना स्लो कर रहा है, इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग ने एक और चीज़ की बात की थी, एंड दैट इज़ वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि देख लिया कि भाई एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था बताओ? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही था ना, टाइम टेकन, सो दिस वाज वेलोसिटी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मान लो एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसकी वेलोसिटी फिक्स होगी या स्पीड फिक्स होगा, हो सकता है अलग अलग वेलोसिटीज जाए। जैसे पहले एक सेकेंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, अगले एक सेकेंड में वो 10 मीटर कवर कर लेता है, अगले एक सेकेंड में 15 कवर करता है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, वेलोसिटी कम भी हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी फिक्स हो। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आए तो ये वेलोसिटी में चेंज कितना फास्ट हो रहा है, इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन। तो अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन था? इट वॉज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कितना या वेलोसिटी कितना फास्ट चेंज हो रहा है ये हमको एक्सेलरेशन बताता है। तो इन तीन चीजों से हम लोग ने मोशन को डिस्क्राइब किया था, समझ में आ रहा है? अब अगर मैं सर्कल की बात करूं, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं, तो अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो हम सर्कुलर मोशन को बोल सकते हैं इट इज़ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग सर्कुलर मोशन में भी देख सकते हैं कि अगर मान लो कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट से घूम के अगर वो यहाँ आ जाता है तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बोलूंगा पार्टिकल ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, अब अगर आप मुझे टाइम दे दोगे कि भाई कितना टाइम लगा उस डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो मैं इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूंगा, राइट? और अगर वो इस दौरान वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो कितना एक्सेलरेशन हो रहा है ये मुझे एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो सर्कुलर मोशन में भी ये सारी की सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी एक तरीके का मोशन ही है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन को इसके अलावा, ये तो हम लोग स्टडी करते ही हैं, इसमें मेनली हम लोग जो डिस्कशन करते हैं वो डिस्टेंसेस के बेसिस पे सारा डिस्कशन करते हैं। देखो फंडामेंटल चीज़ इन सब में डिस्टेंस ही है। जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो स्ट्रेट लाइन में कितना डिस्टेंस कवर किया, या वेलोसिटी में वेलोसिटी किससे आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट से आ रहा है। एक्सेलरेशन किससे आ रहा है? वेलोसिटी से आ रहा है। तो फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? डिस्प्लेसमेंट्स पे, राइट? तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, चीज़ों की बात हो रही है, वो किससे रिलेट कर रहा है? डिस्टेंस से रिलेट कर रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस मोशन को इसके अलावा एक और तरीका है स्टडी करने का। वो क्या तरीका है? वो एंगल बेस्ड डिस्कशन भी हो सकता है या फिर एंगल बेस्ड स्टडी भी हो सकता है। मेरा मतलब समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मान लो ये पार्टिकल इनिशियली इस पॉइंट पे है, ठीक है, और मैं इस सर्कल का यहाँ पे सेंटर मान लेता हूँ, पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है ऐसे, राइट? और यहाँ पे अगर मान लो इस पॉइंट पे इसका इनिशियल पॉइंट है, राइट, ये ओ है, मान लो इनिशियल पॉइंट इसका ए है, ठीक है, और पार्टिकल क्या करता है कुछ टाइम के बाद इस पॉइंट पे आ जाता है, तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, अब मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एंगल देख रहा हूँ, क्योंकि जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाएगा तो देखो ये जो आर्क आपको दिख रहा है, ये आर्क क्या करेगा, यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट एंगल इज थीटा। और अगर ये पार्टिकल इससे और दूर चला जाता है, जैसे मान लो इस पॉइंट पे आ जाता है, तो डेफिनेटली ये एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सुनो ध्यान से, अगर आप ये तीन चीज़ समझ चुके हो कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एग्जैक्टली हमको क्या बताता है, तब आगे सुनो। देखो अगर पार्टिकल पॉइंट ए पे है पहले ही, और मैं आपको अगर ये बोल दूँ कि भाई देखो इसने जो एंगल बनाया वो 90 डिग्री बनाया है, तो आप झट से मुझे बोल दोगे कि पार्टिकल यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन पे पहुँच चुका है, तब 90 डिग्री बनेगा ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पार्टिकल ने क्या किया है, 180 डिग्री का एंगल बनाया,
तो आप क्या करोगे, आप सीधा बोलोगे अच्छा ये पार्टिकल ने अगर 180 डिग्री का एंगल बनाया, मतलब पार्टिकल सीधे यहाँ पे आ चुका है डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे, पता चल गया उसका पोजीशन, राइट। तो वो अपने पार्टिकल से एग्जैक्टली कितने दूर पे है ये आपको एंगल से आइडिया आ जा रहा है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि पार्टिकल 270 डिग्री एंगल कवर कर चुका है, तो आप बोलोगे पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो आपको इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका फाइनल पोजीशन एंगल से भी पता चल जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे सर्कल की बात करूँ तो। और मैं अगर ये बोलूँ कि भाई उसने 360 डिग्री एंगल कवर कर लिया, तो आप बोलोगे कि वो अपने पोजीशन पे वापस आ चुका है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब एंगल से भी हम लोग इनिशियल पॉइंट से वो कितना दूर है इस बात का पता लगाया जा सकता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है ये हमको कौन बता रहा था? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बता रहा था, राइट। यहां पे अगर मैं एंगल कंसिडर कर रहा हूं तो ये बात मुझे कौन बता रहा है? एंगल बता रहा है। तो कहीं ना कहीं एंगल जो है वो किसका काम कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है। तो मैं इसको क्या बोल देता हूं? डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूं। किसको? एंगल को। इस एंगल थीटा को ही मैं क्या बोल दे रहा हूं यहां पे? डिस्प्लेसमेंट बोल दे रहा हूं। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट और उस डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं? डिस्टेंसेस की बात करते हैं, पर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल की बात कर रहे हैं। तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट को एक नाम दे देता हूं, एंड दैट इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज नथिंग बट एंगल थीटा। एंगल ही है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल मुझे क्या बताएगा? पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट से अभी जो पार्टिकल है वो कितने दूरी पे है, या फिर फाइनल पोजीशन उसका बताएगा मुझे विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसका नाम चेंज कर देते तीनों का। देखो, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो अब हम क्या करेंगे, वहां अगर उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी इसका नामकरण करते हैं और नाम बदल देते हैं। अब से हम इसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ वेलोसिटी या सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, अब से हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सेलरेशन। जब लीनियर वाली बात आई तो जो हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पढ़े हैं उसकी बात हो रही है। समझ में आ रहा है? सिर्फ नाम बदला, बाकी सब कुछ सेम है। तो वैसे ही जब हम लोग लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहां पे आप ऐड कर दोगे इट इज नथिंग बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या टाइम टेकन, जो भी है। अच्छा, जब लीनियर एक्सेलरेशन की बात आई तो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। समझ में आई बात? अच्छा, अब एक काम करते हैं। यहां पे क्या था अपने पास? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या बता रहा था? कि डिस्प्लेसमेंट कितना फास्ट हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है। यहां पे देखो, अगर मान लो कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और एंगल कवर कर रहा है, अगर वो बहुत जोर से जाता है, फास्ट जाता है, तो एंगल जल्दी जल्दी कवर होगा, और अगर वो आराम से जा रहा है तो ये एंगल भी आराम से कवर किया जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे भी कहीं ना कहीं वेलोसिटी होगा जो मुझे ये बताएगा कि ये एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना जल्दी कवर हो रहा है। तो क्योंकि यहां पे फॉर्मूला क्या था? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे अब हम लोग जो वेलोसिटी की बात करेंगे दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। अब बताओ एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी है ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर यहां पे हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं? एंगुलर। सो इट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। समझ में आई बात? अच्छा, अब अगर यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी फिक्स नहीं होता, मतलब कोई बंदा है वो आराम से जा रहा है, फिर उसने जैसे कि मान लो कोई साइकिल पे है, वो साइकिल को गोल गोल घुमा रहा है, तो पहले आराम से स्लो घुमा रहा है, फिर उसने बीच में फास्ट कर दिया, तो उसका जो वेलोसिटी वो बढ़ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, या फिर बहुत फास्ट पहले जा रहा था अब स्लो कर दिया उसने। तो यहाँ पे अगर एंगुलर वेलोसिटी फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है, तो ये चेंज कितना फास्ट हो रहा है इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे फिर क्या डिफाइन करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। सो वी विल हैव एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था? चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम।
एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? इट विल बी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ने क्या किया, अभी तक हम लोग डिस्टेंसेस पे थे, अब हम लोग एंगल को कंसिडर करेंगे और इन्हीं सारी चीजों को अब हम लोग पढ़ने वाले। सो वी विल स्टार्ट विथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।